हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड मौसम का क्या हाल है आपके साथ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई नो थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है, बट ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है यार, लिटरली बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एंड साथ ही बढ़ रही है ड्राई स्किन की प्रॉब्लम। तो अगर आपको भी बहुत ज्यादा स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, साथ ही स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, लाइक जैसे मुझे थी, अगर आप मेरे कुछ दिन पहले की वीडियोस देखोगे तो आपको क्लियरली मेरे फेस पे पिंपल्स के स्पॉट्स दिखेंगे। तो अगर आपको भी स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आज की वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ड्राइनेस के लिए एंड साथ ही स्पॉट्स के लिए। मैं इस रेमेडी को यूज कर रही हूँ अराउंड 20 डेज से, एंड ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था मेरे स्पॉट्स को रिड्यूस करने में। एंड साथ ही इसे रेगुलर यूज करने के बाद मुझे मेरी स्किन पर्सनली बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगने लगी। सो अगर आपको भी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है एंड बहुत ही ज्यादा फ्लेकी व्हाइट सा फेस हो जाता है आपका, तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाला ये रेमेडी आपके लिए। एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप एक बार ही इस रेमेडी को जरूर ट्राई करिए। सो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कुछ रेमेडी को बनाना कैसे है एंड साथ ही उसे यूज कैसे करना है। तो चलिए लेट्स गेट इट इन द वीडियो। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे क्लीन बाउल। तो मैं यहाँ पे ये छोटी सी कटोरी ले रही हूँ, लाइक नॉट बहुत छोटी, बट हाँ छोटी सी कटोरी लेनी है आपको। एंड साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच ये ओट्स पाउडर। ये नॉर्मल प्लेन ओट्स है जिसे मैंने घर पे ही पीस लिया। आप चाहो तो इसकी जगह पे चावल का आटा जो होता है वो भी यूज कर सकते हो, लाइक सिंपली आप अपने मतलब रोज वाले चावल को जस्ट मिक्सी में पीस लो तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बट ये ज्यादा अच्छा होता है सेंसिटिव स्किन के लिए और डेली यूज के लिए। एंड ये रेमेडी जो है वो डेली यूज के लिए बहुत ही अच्छा है। आप चाहो तो इसे हर दूसरे दिन भी यूज कर सकते हो बेस्ट रिजल्ट के लिए। एंड पाउडर बना के जस्ट आप इसे स्टोर कर लो एंड डेली बस 2 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक चम्मच लिया है यहाँ पे ओट्स पाउडर, मिक्स कर दूंगी दही। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको उतनी दे चाहिए जिससे एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो मैं यहाँ पे दही डाल के एंड इसे मिक्स कर लूंगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, इस बात का आप ख्याल रखिए। तो इस तरीके से जस्ट हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है तो बहुत ही अच्छा है ये, एंड डेली यूज़ कर सकते हो। जस्ट आप इसे फेस पे अप्लाई कर लो 15 मिनट्स के लिए एंड जब ये ड्राई हो जाए तो इसे हल्का सा स्क्रब करके एंड वॉश कर दो ल्यूकवॉर्म वाटर से। बहुत अच्छे से आपके स्किन को क्लीन करता है। तो पर्सनली ये रेमेडी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए एंड आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो बस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये रेमेडी अच्छी लगी होगी एंड पर्सनली मैं आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही हूँ यार, प्लीज़ इसे एक बार ट्राई करो। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये पर्सनली मेरे स्पॉट्स के लिए, मेरे ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था। दैट्स व्हाई मैंने इसे आप लोगों के साथ शेयर किया एंड आई होप आप इसे ज़रूर ट्राई करोगे। तो अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोग के एक्सपीरियंसेस को जान के। एंड साथ ही अगर आपके पास मेरे लिए या मेरे चैनल के लिए कोई भी सजेशन हो, कोई भी आइडिया हो, तो प्लीज़ आप उसे भी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पॉजिटिव हो या नेगेटिव प्लीज़ आप कॉमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इम्प्रूव होना चाहती हूँ एंड बिना आप लोगों के व्यूज़ को जाने मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। अभी सिर्फ आप लोग हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। सो विद दैट होप कि आप मेरी हेल्प करोगे। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अपने एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।